हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो गाइस, इसी के साथ करते हैं अपने दिन की शुरुआत। गाइस, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज है संडे, तो संडे के दिन बच्चे सारे घर पे ही हैं। ये रक्रीस, ये शिवन्या, इसके लिए अभी सुबह सुबह लॉलीपॉप लेकर आया है। और हितेश इधर बैठा हुआ क्या है? अम्मी जी का है पिंक वाला, बोलो। पिंक नहीं बेटा, येलो है। येलो हाँ, मैंगो, मैंगो वाला, मैंगो वाला ये। इतेश उधर अपना नाश्ता कर रहा है, अभी बिस्तर उठाया नहीं है मैंने अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी नहा धो के सिर्फ पूजा ही करी है और क्रिस को नाश्ता दिया है मैंने, और शिवन्या ने भी नहीं किया है और किसी ने भी नहीं किया है, सिर्फ क्रिस ने करा है। उसको देने के बाद फिर मैं थोड़ा काम करने चली गई थी और पूजा वगैरह करने चली गई थी। हाँ, ऐसे नहीं करते बेटा। और चलिए अब मैं अपना पहले तो गर्म पानी लेती हूँ, थोड़ा ठंडा हो गया है करके गई थी मैंने कहा जब तक हो जाएगा थोड़ा सा ठंडा, लेकिन ज़्यादा ही ठंडा हो गया है। अब तेज कर देती हूँ जब तक हो जाएगा। और आज बच्चों के बच्चे घर पे हैं ना, तो आज पनीर मंगवाया थोड़ा सा, और ये टमाटर मंगवाए और दूध रखा ही है, तो दूध तो मैं बाद में लूँगी, पहले मैं दूँगी गर्म पानी और उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोल दूंगी। तो कह रही, हाँ तो कह रही है गाय इतना सामान लेकर आया है। हाँ, चोको क्या होता है? चोकोबार। हाँ, वो दूध में डाल के जो खाते हैं चोकोबार कहते हैं, पता क्या कहते हैं? चोकोबार नहीं, कुछ और डालिए, दूध में डालने वाला होता है चोकोबार, पता नहीं क्या होता है, डालने वाला होता है बस। तो वही खा रहा है, तो उसके लिए बोल रही है कि ये लेकर आया है, वो खा रहा है। और ये जो टमाटर और पनीर मंगवाया तो उसके लिए कह रही है, जो हम लोग बोलते हैं वही रिपीट करती है। हेलो, पापा तो गए ना जूती ऑफिस गए हैं? अली अले मैं तो भूल जाती हूँ बेटा। अच्छा, ऑफिस है वो? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, पापा ऑफिस में। हेलो, और गाइस यहाँ पर मैंने पी लिया अपना गर्म पानी, जो कि मैं सुबह सुबह ही उठते ही पीती हूँ। और यहाँ हितेश कर रहा है अपना काम स्कूल का, और यहाँ पर क्रिस अपना काम कर रहा है, और शिवन ने अपना सोई रही है गाइस। और अब मैं आगे अपना ये रसोई में जाकर देख लेती हूँ सब्जी बनी है कि नहीं बनी, क्योंकि सब्जी मैंने छड़ा रखी थी धीमी आंच पे, तो लगभग देखिए सब्जी बनी गई है। और यहाँ पर पनीर काट रही हूँ मैं बच्चों के लिए देने के लिए, हो गई थोड़ा सा पनीर मैंने बचा लिया बच्चों के लिए। तो शिवन ने तो सो गई है, तो अभी तेज क्रिस को दे देती हूँ और एक मैं ले लेती हूँ। ले क्रिस, शिबू ले, शिबू करी हो गई है, ये सो गई है जब जाके काम हुआ है, नहीं तो इसके चक्कर में तो काम मेरा अभी तक लेट हुआ है आज, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी भी है तो इसलिए ज़्यादा जोर भी नहीं दिया। और गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ,
सबके लिए, और ये क्रिस के लिए थाली लगा रही हूँ मैं जल्दी जल्दी, ताकि क्रिस रोटी खा ले, क्योंकि उसे बोल रहा था वैसे, तो इसलिए मैं अब सबके लिए ही बना रही हूँ खट्टा। तो वो शाही पनीर बनाइए ना, इलायची वगैरह डाल दो बेटा। तो गाइस ये देखिए, ये शाही पनीर, ये देखिए शाही पनीर और रोटी। हाँ हाँ सबकी बना ली बेटा। तो गाइस आज बनाइए शाही पनीर और रोटी, अब मैं दे रही थी बच्चों को। कौन आया? तो बाहर खा ले, आ जाओ इसी को समझ। और गाइस देखिए ये हितेश ने बनाया है। कौन से बनाए? ये वाले बनाए, ये तीन। तो ये देखो गाइस, खा ले खाना, खा ले अंदर खाना, अंदर खा ले, यहाँ खाना, यहाँ खा ले। तो गर्मी बार बार गर्मी बढ़ जाती है और बार बार घट जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत घूमस सी हो रही है। और बाहर ही ये काम कर रहे हैं बच्चे। तो गाइस अब इनको खाना दे दिया है, और हितेश का मैं बना देती जल्दी से फटाफट। और उसने वो ड्राइंग बना रहा है अपनी, एकदम काम दे दिया है ड्राइंग का, तो इसीलिए तो ड्राइंग अच्छी है ना। ड्राइंग और भी दिखाऊंगी मैं आपको बाद में, पहले मैं और खाना बना लेती मैं हितेश के लिए और मैं अपने लिए। इनको बोल दे एक दिन में पढ़े लिख के बहुत बड़ी हो जाऊंगी। हाँ और मैं तुम सब क्या बनेगी फिर वो बड़े होके? डॉक्टर। क्या बनेगी? और गाइस यहाँ पर देखिए बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, और शिवन्या को ये दीदी पढ़ा रही है। और शिवन्या जो है ऐसे एप्पल ही भी मतलब जो अभी लिख नहीं पाती है, मतलब ये अपने हाथ से ही मतलब पकड़वा के जब काम करवाती हैं इनको शिवन्या को। और हितेश के थोड़ा सा इसका मजाक भी बनाते रहते हैं। तो गाइस अब शाम के टाइम मैं बना रही हूँ नमक पारे, एक मीठे वाले और एक नमकीन वाले। तो घंटा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए हाँ बस ये उधर नहीं बेटा, उसको मत छेड़। हाँ सीबू आ गई है फैलाने के लिए। तो ये आटा है, ये आटा मैंने गूंथ के रख लिया है। यहाँ चाशनी के लिए मैंने ये चीनी बॉयल हो रही है, ये तेल गर्म हो रहा है, दूध गर्म तो करके रख ही दिया है। गाइस अब मैं बना रही थी जल्दी से, पर रात हो गई है आज। और गाइस अब मैं इसको रोटियों को बेल रही हूँ, मतलब मैदा की जो रोटी बना रही हूँ पहले मैं इसको, फिर इसको मैं चाकू की मदद से इसको काट लूँगी, अपने हिसाब से शेप दूँगी मैं इसको, जो सी में जो पसंद है वो मैंने मतलब काट रही हूँ इनको। और मैंने इनको काट लिया है देखिए, और तो गर्म हो चुका है तेल, और इसी में मैं डाल रही हूँ। और गाइस इसमें मैंने डाल दिए हैं, ये देखिए ये थोड़े ब्राउन से हो जाएंगे जब मैं इनको निकाल लूंगी। नहीं अभी नहीं,
गाइस लगभग बन ही गए हैं, बस यही रह गए हैं कढ़ाई में है जो, और ये देखिए बन गए हैं। और बच्चे ना साथ के साथ लेके भी जा रहे हैं, ये बिन मीठे वाले नहीं है, और मीठे वाले ये सिर्फ एक कटोरी रह गए हैं। और ये है अब ये उतार, ये बस हो गए बराबर, इनको भी उतार लेती हूँ। और गाइस देखिए मैंने ये उतार लिए, ये रहे इसमें ज़्यादा पीले पीले सफ़ेद से नज़र आ रहे हैं, लेकिन वैसे ब्राउन से हैं, मतलब ये अच्छे से हो गए हैं। और ये मीठे वाले हैं और ये है। और गाइस दिखाते हैं बच्चे अंदर खा रहे हैं, और एकदम देखो पसीने पसीने हो गए पसीने पसीने ज़्यादा हो गए, क्योंकि ये बच्चे बोल रहे थे मम्मी कुछ अलग से बना दो कुछ बना दो, तो था नहीं इस वक्त कोई मिठाई वगैरह मैंने बनाई नहीं है, नहीं तो हमेशा कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज ये मैदा वा रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैदा का कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो ये देख क्या करूँ, हितेश ने तो अपने खा लिए हैं। तो गाइस अगर आपको आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे से ब्लॉग के साथ और अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बाय बाय गाइस।